नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव चोरावाला में अनवरी पत्नी सलमुद्दीन ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि शमशुद्दीन, रईस, जुल्फिकार, पुत्रगण सरफराज आदि आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और तेज आवाज में गाने बजाते हैं। इसका जब उन्होंने विरोध किया तो उनके घर में घुसकर उसके व उसके परिवार की महिलाओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी गई और उनकी बेइज्जती करने पर उतारू हो गए। शोर शराबा सुनकर जब पड़ोसी इकट्ठा होने लगे तब वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जैसे तैसे करके महिलाओं ने अपनी जान बचाई। अनवरी ने थाने में तहरीर देकर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। कुछ भी बात नहीं भाई, किरे जाकर किवाड़ खोल ली, किवाड़ खोलते ही सब घेर लिया भाई। किवाड़ भीतर बाढ़ बाढ़ के भिन्ना मारी, टंडा लाठी भाई, मुक्का, कोई पेट पे बाट गई, कोई बाल खाँच ली, कोई किरे किरे पेट में बैठ के, कभी पाँख खंचे, कभी मुंह भिंचे, और भाई टंडा टंडा ही बजाया भाई किरे। आपके कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरा तो भाई हाथ में आ गया बेटे, और किरे आँख पे मारी भाई, दूर जाके पड़ी, एक्सरा बता दिया, और मन ने कुछ नहीं करा बेटे, कुछ भी बोला नहीं। अरे बेटे लड़ाई ना करे, बेटे लड़ाई ना करे, अरे मर जागी रे भाई, मर जागी रे भाई, किसी ना सुनाई नहीं करी भाई। तीन दफा मुझे फेंक फेंक मारी, लौंडे को मेरी इतनी मारी भाई, बहुत ज्यादा भाई, इतनी मार मैंने देखी नहीं किसी को बेटे, इतनी बुरा मार दिया भाई मेरी लौंडे को। इसे नुका खोल के ना दिखावे, ऐसा जगह मार, ऐसे जगह मार, नुका खोल के ना दिखावे, नुका बेटे। मामला सर ये था, यह हमारी बहन थी, पहले घर पे थी, छोटी सी विवाद के ऊपर वो रोड़े फेंक दिए इनके घर पे, तो हमारी बहन उसके बताने के लिए गई, तो उसके हस्बैंड शमसुद्दीन और उसका भाई रईस और जुल्फुकार ने मेरी बहन को और उनकी लड़की है उनको दोनों को मारा। फिर ये थाने में तहरीर 4:30 बजे दे आए हैं, 4:30 बजे तहरीर देने के बाद ये वहाँ से 5:30 बजे आए हैं हमारे घर पे जी, जो इनका पिहर का है, तो यहाँ पाए हैं चोरावाले में ये इनके घर पे। फिर उसके बाद में ये अम्मी से बात करी इन्होंने कि अम्मी हमें डर लग रहा है, तुम हमें घर पे तक छोड़ जाओ, जो कभी हमारे साथ झगड़ा हो जाए। अब इन्होंने घर का गेट खोला ही था तो हमारी अम्मी भी गई हुई थी, तो उन्हीं के घर पे घुस के हमारी बहन को, भांजियों को और हमारी अम्मी को ये बहुत डंडों से मार करा, खूब ज़्यादा गाली गलौज भी, मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट करी इनके साथ में। वे कौन लोग थे जो घर में घुसे थे? वे दूसरे पक्ष के थे, मतलब झोज्जे हैं वे, उनका एक ही घर लुहारों का है और टोटल वे झोज्जे हैं वहाँ पे, कोई भी इनकी फेवर वाली बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यही हैं बेचारी, ये लेडीज़ हैं और कोई नहीं है, मैं उनका भाई हूँ, मैं ही इनके साथ साथ फिर रहा हूँ। उसका नाम शमसुद्दीन है, रईस है और जुल्फुकार है उसका नाम लड़के का, और उसका बाप का नाम सनोप सरफराज। ये इन्होंने घटना करी रात को 6 बजे। फिर एक बार एम्बुलेंस को फ़ोन करा मैंने, 16 नंबर को मैंने HSO को कॉल करी मैंने, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत टाइम लगा आने के लिए, तो आ गए वे यहाँ पे। आने के बाद में फिर क्या हुआ, 16 नंबर गाड़ी आई, हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रखा था, मेरी अम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा था एम्बुलेंस में, तो मैंने कहा सर ऐसे पुलिस वाले हमारे यहाँ अड्डे पे आ गए। अड्डे पे आने के बाद फिर कहने लगे क्या बात हो गई, ऐसे सब बात हो गई, और वो कहने लगे इसे PSC लेके जाओ, वहाँ पे अस्पताल में पहुँचो लेके मरीज को, तो हमारी सर चिट्ठी भी नहीं कटी थी, डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं बना के दी हमारी, बिना रिपोर्ट के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया आपको? जी, वहाँ पे भेजा गया, हमारी कोई नहीं हुई, हमने फोन कराया चस्तुसन, वहाँ भेज देंगे, मैंने लड़का नू लड़का भेजो है पुलिस, लड़का को भेजा मैंने, लड़का कहने लगा जी मुझे तो रिपोर्ट दे नहीं रहे, तो फिर मैं गाड़ी बुक करा के फिर मैं इनका अपनी बहन को, माँ को, सबको थाने ले गया। थाने में मतलब बदतमीजी इतनी करी है कि एक 1x1 बात कर रहे थे। बदतमीजी किसने की आपके साथ? बदतमीजी वीरेंद्र कुमार है जी, वीरेंद्र कुमार उनका नाम दरोगा है, कहने लगे पक्ष में, कहने लगे वो लिखित रूप में दो न तो तुझे जेल भेजूंगा, तुम्हें तुम्हें जेल भेजूंगा, तुम्हारा कहीं भी चोट नहीं है। दरोगा ने कहा? हाँ, दरोगा ने कहा कि तुम्हारा कहीं भी चोट नहीं है, और कभी कोई सा धमका पमका के पूरी दबाव बना रखा है हमारे ऊपर, और उन्होंने दूसरी पार्टी से 25,000 रुपए
25,000 रुपए ले चुके हैं दूसरी पार्टी से। अब बताओ ये गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा, और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद में जब मैंने कहा चलो उठ के यहाँ से चलो, जब मम्मी के वगैरह कोई भी चोट नहीं है, तो फिर मैं कहने लगा मैं कप्तान साहब के यहाँ पेश करूंगा, तब जाकर उन्होंने हमें वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।